तो हेलो जी, जहाँ पे भाई गाड़ी टर्न करने के चक्कर में अपनी हिम्मत माफी गिर चुकी है जी। हेलो भैया, भैया गाइस पूरा फुल दिन काम करते हैं भैया, जी 900 लेने वाले हैं, है ना भैया। तो भैया नाम बता दो अपना। निशांक भैया। ओ हेलो जी, कैसी अपनी YouTube फैमिली, आई होप है कि आप सब बड़े होंगे, बड़े रहने चाहिए। तो आपका होस्ट और आपका दोस्त हाजिर एक और नदी एक नई वीडियो में स्वागत है आप सभी का। तो भाई आज काफ़ी देर के बाद हम लोग जो जोमाटो को ब्लॉग शूट कर रहे हैं, तो भाई आज हम 6 बजे से लॉग इन करने वाले हैं। तो फिलहाल मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, बड़ी जल्दी अपने चैनल पर चैलेंज वर्क हम लोग लेके आने वाले हैं। तो इसमें हम लोग 50 दिन काम करेंगे, तो 50 दिन में हम लोग बताएंगे भाई प्रॉपर बंदा कितनी अर्निंग कर पाता है। फिलहाल हम टारगेट रखेंगे 50 दिन में 60,000 अर्निंग करके बताएंगे आप सभी को। तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं, कमेंट करने ब्लॉग में, आज जोमैटो करेंगे कल स्विगी करेंगे, जिसमें ज़्यादा कमेंट होंगे हम लोग वही 50 दिन काम करके आप सभी को बताएंगे। तो फिलहाल आज का ब्लॉग हमारा जैसे स्टार्ट हो रहा है, करो ब्लॉग को पूरा फुल एंजॉय। ओ प्रावा, तू कैमरा पर नहीं लगा गया भाई, साले का खोपड़ी तोड़ रे, खोपड़ी तोड़ साले का। जहाँ पे भाई की आईडी, भाई आईडी ऑन करो ना यार। तो गाइस भाई अंबू बन चुका था, यहाँ पे देख सकते हो भाई ने हाथ लगाते ही आईडी खुल गई। और बताओ कैसा फील हुआ? लव यू, आई लव यू मेरी अर्जुन भाई, बहुत सही बता रहा है। देखा भाई का कितना बड़ा प्रॉफिट, भाई की आईडी बंद हो चुकी थी, जैसा आपका भाई पहुंचा भाई से हैंडशेक करा आईडी खुल गई। यार लकी बॉय मेरी अर्जुन मेरी जान। वाह क्या सीन है। 5 minutes later जी, आज अपने को जो फर्स्ट ऑर्डर है वो पीर मिठे के पहलवान जी से साइन हो चुका है। तो भाई आगे से रास्ता बंद है भाई, कुछ फ्रेंड्स बता रहे हमें, तो इसलिए हम लोग जहाँ से जा रहे हैं भाई काफ़ी घूम के जाना पड़ रहा है भाई पीर मिठे वाले पहलवान। हमें खुला है या नहीं खुला है, चल जहाँ से चलते हैं भैया, एक मिनट। तो भाई ट्राई करते हैं ट्रैफिक में क्या कहना है। फिलहाल परेड बाजार बनिया दी हट्टी वाली साइड से चलते हैं हम लोग, बताते हैं क्या होता है। अपने ज़्यादा रश है, थोड़ा रश है, आपको परेड सिटी की सैर कराता है भाई फर्स्ट ऑर्डर में। तो भाई जहाँ से जाने दिया जा रहा है, फिलहाल ज़्यादा ज़्यादा रश नहीं है, मेरे को लगता है हम जल्दी चले जाएंगे। हम लोग घुस चुके हैं भाई, घुसने के साथ साथ ही यहाँ पे पता आप सब, आज अपनी एनएस माफिया का हॉर्न भी बोल रहा है। लोग काफ़ी भयानक रूप से अपने को देख रहे हैं, भैया बोल रहे हाँ कैमरा ऑन है, मैं हाँ भैया कैमरा ऑन है, आपको कैद कर डाला हमने। तो भाई पाइनएप्पल आ गया भाई यहाँ पे, भैया 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 रुकना यार, पाइनएप्पल गिर जाएगा नीचे। तो भाई यहाँ पे कुछ इस प्रकार के तेजस्वी लोग हैं, स्कूटी में 3-3, 4-4 भी जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वाला ट्रैफिक हो रखा है भाई यहाँ पे। और भैया आज अपनी एनएस माफिया का हॉर्न चेक करो कैसा लग रहा है। तो बड़ी जल्दी हम लोग इसमें बैटरी अपग्रेड करने वाले हैं, बैटरी की दिक्कत से दूसरा हॉर्न जो वर्क में नहीं है भाई। और भैया आगे तक ट्रैफिक ही ट्रैफिक है गाइस, लगता कोई गलती कर दी भाई इतने ज़्यादा क्राउड में आके, कहीं आगे जाकर रास्ता बंद हो गया तो कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाएगा अपने को यहीं पर। फिलहाल देखते हैं भाई, एक ही नारा एक ही नाम बोलो, जय श्री राम। छोटे छोटे जंगू मंगू भी आए होते हैं घर वालों के साथ शॉपिंग करने, क्राउड चेक करो भाई जहाँ से भयानक रूप से हम लोग गुजरने वाले हैं। भाई अपनी सांस बंद हो रही है, मेरे को कुछ ऐसा लग रहा है, ऐसा फील आ रहा है। तो भाई आंटी लोग साइड नहीं हो रहे ना, अंकल लोग साइड हो रहे हैं, तो लोग थोड़ा हल्के हटके साइड हो जाएं फिर थोड़ी दिक्कत नहीं आती लोगों को भाई, बड़े आराम से काम हो जाता है। भाई आंटी सिर्फ आगे देख रहे हैं, पीछे तो देख ही नहीं रहे हैं। Five minutes later. तो हेलो जी, हम लोग पहुंच गए भाई पहलवान में, रसमलाई प्लस चाट पापड़ी जा रही है कस्टमर के लिए। तो बताते हैं कस्टमर कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे ड्रॉप करना है हमें ये ऑर्डर। तो हेलो जी, पहलवान से हमने फर्स्ट ऑर्डर पिकअप कर लिया, जो ये जाना है पास ही में टांगे वाली गली में, तो ऑर्डर ड्रॉप करते हैं, उसके बाद बताते हैं भाई आज का क्या इंसेंटिव और क्या पे आउट रहने वाला अपना। हेलो जी, आज का अपना फर्स्ट ऑर्डर जो डिलीवर हो चुका है टांगे वाली गली में, तो जहाँ पे हम अपने एनएस माफिया को स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी हम जा रहे हैं मैकडोनल्ड साइड रवाना हो रहे हैं। तो कोई भी ऑर्डर वगैरह साइन होता है तो आपसे मिलते हैं, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहो। 20 minutes later. तो हेलो जी, अभी मात्र 7 बजने में 2-3 मिनट कम थे, तो हमें ऐसे ऐसे भाई IIT से काफ़ी थोड़ी आगे पीछे नेड़े तेड़े जाना है, कहीं जाड़ी जाड़ी जगह का नाम है, कस्टमर ने एड्रेस में लिखा है। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं भाई, तो बताते हैं कस्टमर कहाँ पर मिलते हैं हमें और कहाँ पर जो ऑर्डर डिलीवर हो पाता है आपको। अभी आप लोग जैसा कि देख रहे हो जे व्यू है भाई, सिद्धरा रोड व्यू का, ठीक है। तो जो सिद्धरा रोड साइड का व्यू है, अभी हम NH 44 पे पहुँच चुके हैं, तो जहाँ से हमने नगरोटा के लिए रवाना हो जाना है, काफ़ी ज़्यादा लोग अंकल लोग जहाँ पे बैठे थे लिफ्ट वगैरह के लिए, गाड़ी वगैरह आती जाती रहती है। फिलहाल हमने जहाँ से जाना 6 किलोमीटर की दूरी पे, तो IIT से पहले कोई जाड़ी जाड़ी जगह का नाम है, वहाँ पे ऑर्डर डिलीवर होने जा रहा है। फिलहाल जहाँ पे ट्रक की लाइट देख सकते हो भाई, काफ़ी ज़्यादा भयानक वाली लाइट हो रखी है,
तो जहाँ देख सकते हो अंकल ने स्कूटर पे टोपी पहन के रखी, हेलमेट नहीं पहन रखी भाई, आपको ऐसा नहीं करना, आपको हेलमेट पहननी है गाइस। तो हेलो जी, अभी हम भाई रात यात्री हैं, तो अभी हम किसी खड्ड में पहुंच चुके हैं। तो भाई IIT का जो रोड है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्रॉस करने के बाद, लेकिन फिर भी जहाँ पे बता रहा है अभी आप आधा किलोमीटर कस्टमर की लोकेशन से पीछे खड़े हो। तो फिलहाल आपका बाइक भी खड्डो खड्ड हो चुका है। गाइस नहीं, यहाँ पे रोड भी है खड्ड में, आइए चेक करो। फिलहाल कुछ कंपनी के वर्कर जा रहे हैं, इन्हें छुट्टी हो चुकी है। तो अभी हम आगे, काफ़ी कच्चा रास्ता, चिक्कड़ मिक्कड़ अपनी एनएस माफिया पूरी चॉकलेट फ्लेवर में रंग रंगीन हो चुकी है, क्योंकि गांव में आना पूरे गांव के रंग में रंगना पड़ता है हमें भी। ओ भैया 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 यार थोड़ी सी साइड दे दो यार, हमें लगता है कंपनी खड्डो खड्ड करेगी आज हमें भाई। तो बस बता रही आगे से राइट हो जाना आपने, पर मेरे को लगता है कोई नाली नूली में घुसाएगी कंपनी अपने। ओ गाइस ये सच बात है, यहाँ पे नाली है गाइस। हेलो जी, अभी हम काफ़ी दूर आ चुके हैं भाई, नाली नूली क्रॉस करके कस्टमर के घर के बाहर। फिलहाल जहाँ पे ऑर्डर डिलीवर होने जा रहा है, 7:18 हो रहे हैं, जल्दी से ऑर्डर डिलीवर करते हैं, सिटी के लिए रवाना हो रहे हैं हम जहाँ से भाई। काफ़ी कच्चा गंदा टेढ़े मेढे रास्ते भी गाँव के लिए पहुँच चुके हैं। करो उठाओ उठाओ उठाओ, ओ भाई वो गिर गई बाइक अपनी, बाइक गिर गई यार यहाँ पे अपनी। तो भाई ओ भाई भाई गाड़ी आई, गाड़ी के चक्कर में जहाँ पे देख सकते हो जहाँ पे अपनी एनएस माफिया गिर गई। तो हेलो जी, जहाँ पे भाई गाड़ी टर्न करने के चक्कर में अपनी एनएस माफिया गिर चुकी है, रास्ते की हालत देख सकते हो भाई, काफ़ी दूर गांव में आ चुका, भयानक वाला गंदा रास्ता है भाई यहाँ पे। और जहाँ पे अपनी एनएस माफिया के टायर घूमने जा रहा है, कच्चा रास्ता है पूरा का पूरा, जहाँ पे देख सकते हो कितना भयानक वाला क्रैश हो चुका आपका भाई, उतर चुका भाई। गाइस जहाँ पे देख सकते कुछ इस तरह का रोड है, काफ़ी भयानक वाले चिक्कड़ खड्डे क्रॉस करे हमने, फिर जाके कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर हो पाया। फिलहाल अपनी एनएस माफिया की लाइट काफ़ी ज़्यादा कम है, और भाई जंगल का एरिया ये आप लोग देख सकते हो भाई, पूरा गांव का एरिया भयानक वाली, मतलब कोई नया बंदा है वो भूल भैया मैं भूल जाए भाई, नया क्या, मैं भी फर्स्ट टाइम ही आया हूँ यहाँ पे। फिलहाल काफ़ी भयानक वाला रास्ता, जहाँ पे देखो रोड की रास्ते की कंडीशन चेक करो आप लोग। 5 minutes later आज आपका भाई जहाँ पे आया था, तो आज आपको बता दें भाई जम्मू को जूही मंदिरों का शहर नहीं बोला जाता। तो भाई जहाँ पे देख सकते हो कोई मंदिर वगैरह, जहाँ पे देख सकते हो कितनी अच्छी और काफ़ी यूनिक और नेक्स्ट लेवल की डेकोरेशन वगैरह करी गई है। तो भाई फ्लाई ओवर के पिलर चेक करो भाई, इन पे भी लाइटें वगैरह लगाई गई हैं। जहाँ पे मेरे को लगता है शिव भगवान जी का मंदिर है, शिवरात्रि आने वाली, हाँ तो जहाँ पे देख सकते हो भाई शिव भगवान जी का मंदिर है, शिवरात्रि आने वाली है, तो काफ़ी बढ़िया तरीके से डेकोरेट वगैरह करा, कोई गुरु जी का आश्रम भी है यहाँ पे। 5 minutes later ओ हेलो जी, अभी हमने हंगर स्ट्राइक से ऑर्डर उठा लिया भाई। तो जहाँ पे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा रोड खोद रखा भाई इन्होंने, कोई खजाना गुम हो चुका है यहाँ पे, बड़ा वाला नाला बनने जा रहा है यहाँ पे भाई, जहाँ नाला बनेगा या कोई खजाना ढूंढ रहे हैं। फिलहाल हम ऑर्डर लेके जा रहे हैं कोई रॉयल पाम से, तो वहाँ पर हमने डिलीवर करना है। तो भाई हंगर स्ट्राइक वाला जो ऑर्डर है, तो भाई जे आ चुके रॉयल पाम, तो मेरे को लगता है बाइक वगैरह हमें जा बाहर ही पार करेंगे, तो एंट्री वगैरह होगी हमारी, पूछा जाएगा कौन से फ्लैट में जाना है, तो वहाँ पे चलते हैं ऑर्डर डिलीवर करते हैं, उसके बाद आगे की जाए। यहाँ पे केड़ा फ्लोर है, 12th floor। ओ भाई चेक करो। 5 minutes later जी जहाँ पे देख सकते हैं हमें भैया मिल चुके। हेलो भैया, भैया गाइस पूरा फुल दिन काम करते हैं भैया, जी 900 लेने वाले हैं, है ना भैया? ओके भैया, भैया के साथ भैया का फ्रेंड भैया, हेलो भैया, भैया पुलिस में नौकर है। तो गाइस इनकी जोड़ी बड़ी पक्की है। हाँ भाई चेक करो अपने आगे भैया जा रहे, भैया में इतना सारा टैलेंट है भैया, चेक करो भाई दुनिया उल्टी पुल्टी हो जाएगी, भैया कहाँ से फ़ोन नहीं निकाले हैं, समझ सकते हो आप लोग, काफ़ी तगड़े भैया बहन, तो भैया टेस्ला के ड्राइवर बने हैं। तो हेलो जी, जहाँ पे देख सकते हो हमें कॉल मिल चुका है, तो जहाँ पे हमें स्टार भैया मिल चुके हैं, और बताओ भैया क्या हाल चाल है? 5 minutes later ग्रैंड स्टैंड के लिफ्ट में 5 number दुआना है, तो जहाँ से डंडे को पकड़ लेना, आप डर भी सकते हो। फिलहाल देख सकते हो किस तरह से ये बंदे को ऊपर की सैर लेकर आने जा रही है। तो भाई जहाँ से बाहर दिखता है, यहाँ से आपको पाम आइलैंड का व्यू दिखता है। फिलहाल देखो भाई किस तरह से लोहे के एंगल उंगल क्रॉस करते हुए हम छत पे पहुँचते हुए, छत फाड़ के बाहर जाते हुए, फिलहाल हम लोग ग्रैंड स्टैंड के अंदर पहुँच चुके हैं, जहाँ भी इनकी कुछ गेम थी हमने थोड़ी सी घुमाई, पता हमें कुछ नहीं था इसके बारे में, बड़ी सी बोतल। भैया क्रिकेट खेल रहे हैं, पता नहीं टेनिस जो भी खेल रहे हैं। फिलहाल हमें ऑर्डर आते मिल चुके हैं, दोबारा हमने 0 दबाया, नीचे में जाने के लिए हमने रफ्तार ले ली, लिफ्ट क्या कर लिया जाए भाई, बंद हो चुकी है जहाँ पे,
जो हमें ग्रैंड स्टैंड की कुर्सियाँ दिखाई दे रही हैं। दोबारा नीचे जा रहे हैं, ऑर्डर डिलीवर करते हैं बख्शी नगर में, फिर बताते हैं भाई आपको आगे। देख सकते हो किस तरह से लिफ्ट हमें नीचे लेके जा रही है। जी मैगडी से हमने ऑर्डर पिकअप कर लिया। अंकल देख सकते हो, अंकल फिलहाल यहीं पर बैठे रहते हैं। अंकल की लुक चेक करो भाई, क्या गॉर्जियस लुकिंग आ रही है अंकल की। आज अंकल ने फेशियल करा लिया आज फिलहाल। अंकल को हमने महेंद्र नगर में ऑर्डर डिलीवर किया था, तो डिलीवर किया था, तो जहाँ पे हमें भैया मिल चुके। हेलो भैया, नाम बता दो अपना। ऋषांक भैया, ओके भाई, थैंक यू सो मच। भाई ने अपना चैनल सब्सक्राइब किया, ओके बाय बाय। 5 minutes later। हेलो जी, अभी हमें लेट नाइट में जो बेल्जियन बफल से ऑर्डर साइन हो चुका, ऑर्डर हमने पिकअप कर लिया, तो ऑर्डर जा रहा है लोअर शिवनगर। तो फिलहाल अभी हम ऑर्डर लेके जल्दी से निकल रहे हैं, तो जहाँ पे भैया भी निकल रहे हैं अपनी ड्यूटी ऑन करके। तो हेलो जी, बेल्जियन बफल से ऑर्डर उठाने के बाद तो दोबारा हमने 4 ऑर्डर जो कंप्लीट कर लिए हैं। तो अपने पास डाइस आ चुका है, तो अभी हमने दोबारा डाइस घुमा लिया भाई अपना, इस बार भी हमें 2 बज चुका है। तो गाइस यहाँ पे हमने 400 रुपीज़ विन कर लिए हैं अपने, जहाँ भी देख सकते हो। जो पूरे फुल वीक की लूडो थी, तो कल आपके भाई ने फिलहाल काम नहीं करा था, आज संडे था, तो फिर भी आपके भाई ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत हार्ड वर्क करने के बाद 400 जो विन कर लिया। हर 4 ऑर्डर के बाद हमें रोल एंड डाइस मिलता है, तो जहाँ पे आपके भाई ने 400 जो विन कर लिया जी अपने पे आउट में ऐड ऑन हो जाएगा। तो हेलो जी, जहाँ भी देख सकते हो भाई लाइव परफॉर्मेंस, भाई हमने 11 तारीख को मात्र 6 घंटे में 14 ऑर्डर करे, जिसमें हमने 765 जो ऑर्डर अर्निंग अपनी, जिसमें भाई एडिशनल पाउंड है 48 रुपीज़ TDS कटा अपना, जिसमें भाई 400 रुपीज़ भाई रोल एंड डाइस जो हमने लूडो खेली थी, जो पूरा फुल वीक का चल रहा था, ये हमने कंप्लीट कर ली थी। तो 180 इसमें हमने लेट नाइट का, संडे लेट नाइट का ऑफर था, तो टोटल अपनी अर्निंग 1296 रुपये, मतलब 1296 रुपीज़। तो भाई 4 रुपये कम थे, नहीं तो भाई 1300 हो जानी थी पूरी कंप्लीट। तो फिलहाल आप लोग तो भी जोमेटो में काफ़ी अच्छी अर्निंग ले रही है अपनी। तो अब आप सभी को कमेंट करें भाई, हम स्विगी करें जो 50 डे का चैलेंज है, उसमें स्विगी करनी चाहिए, जोमेटो करनी चाहिए, जिसमें ज़्यादा कमेंट होगा हम लोग वही करेंगे।